नमस्कार, मैं पंकज स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में जानते हैं गम्हार गाछ, जिसको गम्हारी भी बोला जाता है। हम पूरा आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये गाछ है, ये पेड़ होता है इसका, बड़ा पेड़ हो जाता है ये। देखिए इस प्रकार से है इसका। हम आपको फल भी अभी दिखाएंगे। इस प्रकार से इसका पत्ता देख लीजिए, इसका फल भी अभी गिर रहा है। देखिए ये है, अभी जो है इसका फल हरा हरा है, गिर रहा है ये। अभी वो भी आपको दिखाएंगे। ये है गम्हार गाछ है, ये गम्हारी भी इसको बोला जाता है। ये गम्हार गाछ है, ये बहुत लंबा होता है। यदि इसको सही से यदि डाली काटा जाए तो ये सीधे बहुत ऊपर बड़ा चल जाता है। और जो इसका जो फल है उसका कुछ आयुर्वेदिक दवाई में भी इसका यूज किया जाता है। तो आइए दिखाते हैं आपको इसका फल, यहाँ पर गिरा हुआ है। देखिए इस प्रकार से है, ये बरसाती में ये पकता है, उसके बाद पकने के बाद ये हल्का हल्का पीला हो जाता है, लेकिन अभी ये झड़ रहा है। देखिए इस प्रकार से है, ये फल है। इसका आयुर्वेदिक उपचार में यूज किया जाता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में। तो ये है दोस्तों, ये है, यही है, ये पेड़ है इसका। हम पत्ता आपको दिखा रहे हैं इसका, यही पेड़ है ये। देखिए ये पत्ता इस प्रकार से होता है इसका। देखिए ये पत्ता है यहाँ पर। इसको अगर यदि सही से डाली को काटा जाए तो ये बहुत लंबा हो जाता है। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत लंबा हो जाता है ये पेड़। और इसका लकड़ी भी बहुत अच्छा होता है, इसको बहुत फर्नीचर में यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों, यही है ये। ये बरसाती में इसका फल पीला हो जाता है पक के, और गिरना अभी ये आपका अप्रैल मई से ही फल झड़ना शुरू हो जाता है। इसमें फरवरी में लगभग इसमें फल आना शुरू हो जाता है। ये देखिए, ये पत्ता है इस प्रकार से, ये यही है पूरा पेड़ है ये। देखिए इस प्रकार से बहुत फल यहाँ पर गिरा हुआ है। देखिए इस प्रकार से इसका फल, इसको आयुर्वेदिक उपचार में यूज किया जाता है इस फल को। बहुत गिरा हुआ है, यही था दोस्तों। ये गम्हार का पेड़ या गम्हारी भी इसको बोला जाता है, हम लोग के इधर इसको गम्हार बोलता है। यही है दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये बहुत ऊंचा गया हुआ है। यही है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।